अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज हमारा मूड बना के गाड़ी में निकल के कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं, मतलब कुछ भारी भरकम नहीं खाएंगे लेकिन कुछ हल्का फुल्का, जैसे पाकिस्तान में नहीं कभी कभार आप निकल कर रिफ्रेशमेंट करते हैं, समोसे चाट पापड़ी वगैरह खाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने लिए ये मिर्चों वाले पकोड़े थे या कुछ था, इनके अंदर भी बड़ी चटपटी सी फीलिंग थी, बहुत मज़े का था ये। और साथ में हमने गन्ने का जूस लिया। और देखें गाड़ी में बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है, जब बाहर ठंड हो और अंदर आप गर्मा गर्म गाड़ी में बैठे हुए हों, ख़ास तौर पे जब ऐसी गाड़ी हो जिसमें इस तरह के होल्डर्स लगे हुए हों और अंदर इस तरह का सिस्टम हो कि आप इजीली चीज़ें संभाल कर बैठ सकते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा हम कैसे इनको होल्डर्स में लगाते हैं और गाड़ी में खाने का अपना ही मज़ा आता है। फिर किधर से लेके आए हैं आप? ये जान नहीं है दस समोसा उधर से मिलती है? पाव भाजी नहीं थी तो पाकिस्तान में भी मैंने अक्सर गन्ने का जूस पिया है, सिर्फ गन्ने का जूस होता था वो। यहाँ पर इन्होंने इसमें अदरक और लीमू भी डाला हुआ था तो बहुत ही मज़े का हो गया था। नहीं फिर आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। गाड़ी में हम लोग हैंड सैनिटाइजर जरूर रखते हैं क्योंकि कुछ भी खाना होता है तो उससे पहले हाथ साफ होने चाहिए। है ना? वाह, ये आपको मजे का नहीं लगा? अदरक है और नींबू भी है। मैं प्लान कर रहा हूँ अपना पूरा डेंटल एग्जाम करवाने का, आई एग्जाम करवाने का, यहाँ से नए चश्मे बनवाने का। तो विदाउट एनी इंश्योरेंस या बेनिफिट्स तो बहुत ही महंगा है। कितना महंगा है मैंने पता किया है तो $360 ले रहे सिर्फ कंप्लीट डेंटल चेकअप के, कुछ कराने के लिए सिर्फ चेकअप के $360 हैं। और फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट रिकमेंड करें उसके अलग से चार्जेस हैं। तो विदाउट इंश्योरेंस तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो मेरे बेनिफिट्स हैं जॉब की तरफ से, उसमें $1,000 तक कवर्ड है जस्ट फॉर डेंटल। और फिर आई केयर का अलग से है कोटा, हर चीज़ के अलग 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 कोटे हैं। और वो बेनिफिट्स अगर मैं यूज़ नहीं करता, डेडलाइन के बाद रिन्यू हो जाते हैं, तो पिछले जो बेनिफिट्स हैं वो अनयूज्ड चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रही है। रिन्यू होने से पहले आप अपने बेनिफिट्स यूज़ कर लें एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप नहीं यूज़ करते तो फिर वो आप यूज़ कर भी नहीं सकते, फिर रिन्यू जो लिमिट आएगी वो उतनी ही होती है। तो मैंने चेक करवाया तो कह रहे थे नॉर्मली जनवरी में रिन्यू होती हैं लिमिट्स। आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से चेक कर लें उनकी कब रिन्यू हो रही है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो अभी 20 डेज हुए हैं शुरू हुए हुए, शायद एक साल तक का हो ये, या 20 डेज पहले शुरू हुई है इस साल के एंड पर एक्सपायर हो जाए और फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा रिन्यू हो, तो मुझे आई हैव टू चेक इट। आज तो छुट्टी है, अब मंडे को जब वो ओपन होगा तो मैं उनको कॉल करके पूछूंगा कि जब वो साइकिल रिन्यू हो रहा है, अगर तो वो जनवरी से हो रहा है तो आई शुड यूज़। अभी मैं ऐनक भी बनवा लूँ और मैं दांत भी चेक करवा लूँ, सब कुछ करवा लूँ। और मेरा अलग है, हिना का अलग कोटा है, जोहा का अलग है, जीनिया का अलग है, हम चारों के अलग अलग कोटे हैं उसमें इंश्योरेंस में। तो ये चेक करना चाहिए कि कब रिन्यू होगी। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है, बगैर चीनी डाले नेचुरली शुगर केन जो गन्ना है इतना मीठा है जिसकी हद नहीं, बहुत मजे का जूस है। मोम का भी पी जाओ। जो बस में ज्यादा मजा आता था, गाड़ी में ज्यादा मजा आता है।
तो हिना लेने गई हुई थी गुलाब जामुन, क्योंकि जोहा को बहुत पसंद है और हिना का भी दिल कर रहा था, और ये भी बहुत मज़े का था। कितने का था, क्या था? $10 का एक एक प्लेट है। पाव भाजी, पाव भाजी इज लाइक डिफरेंट। जोहा भी गरम है, मतलब बान का पाव है ही नहीं यहाँ पे कहीं। फ्रोजन मिलता है यहाँ पे? नहीं है, देख होता ना वो। बीटा मैं खा लूं प्लीज। जान जोहा खाएगी? जोहा खाए, जोहा कैसे खाएगी ये वाला? क्या पानी वाला? आप सिरप पी लेना, जबाबा सिरप। नहीं मैं नहीं पीऊंगा कैलोरीज जी, मैं नहीं कैलोरीज खाऊंगा ये। उसके बाद हम लोग कॉस्टको आ गए। आप लोग अक्सर शायद सोचते हो कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कॉस्टको क्यों आते रहते हैं, तो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि कॉस्टको की अगर आप एक दफ़ा मेंबरशिप ले लेते हैं ना, तो आपको एक तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं, और इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है और रेट्स बहुत अच्छे हैं। अभी ये निजराल का शैम्पू है, अभी मैं आपको घर जाकर इसको खोल कर भी दिखाऊंगा, इससे मेरी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये 400 ml का मुझे यहाँ पर सिर्फ $35 में मिल रहा है, जो एल्सवेयर यहाँ के जो और नामवर रिटेलर्स हैं वहाँ पर मोस्टली ये $75 to $80 का मिलता है। तो मुझे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर ये मिल रहा है। तो मैंने इसकी 60 ml की बॉटल पहले ट्राई की थी, उससे मेरी खुश्की बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गई है। तो इस बार मैंने इसी का 400 लिया है ml। सेकेंडली ये मुझे लेना होता है अनार का जूस, और ये यहाँ से बहुत अच्छा और सस्ते में मिल जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये 1.8 liter है, और ये $13 का मिल रहा है, जितनी प्राइस में 1.4 लीटर भी नहीं मिलता बाकी जगहों से। ये वाले टेस्टर्स फ्री मिल रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट है ये जिसकी हद नहीं। मुझे चेक करना, $30 है यार, ये $40 है अमेजोन पे, इसलिए ये खाली हो गया सारे। दिस इज $40 ऑन। दिखाओ मुझे, वो भी $8, अभी $31 की थी तो 8% ऑफ है। नहीं ये 100 ग्राम है, 405, ये 405 ग्राम है। वो कितने ग्राम है? 405, अभी 29.95 है, विदाउट डिलीवरी विदाउट एनी टैक्स। ले लो फिर एक, यहाँ पे दिस इज लाइक $30, $40। प्राइस क्या है? वो क्या है इंग्रेडिएंट्स? ठीक है ले लो। तो वो लिंट की तो हमने ली, और ये इसके हमने सैंपल्स टेस्ट किए, बहुत ही मज़े के थे। लेकिन अभी वो लिंट की ले लिए, वो ख़त्म होगी तो नेक्स्ट बार इंशाल्लाह फिर ये वाली लेंगे। कॉस्टको आने का बहाना तो रहना चाहिए ना कोई ना कोई। ये देखिए ये वाला शैम्पू है, इसको हफ्ते में मैंने सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है, और मेरी खुश्की इतनी ज़्यादा थी कि कभी अगर जैसे गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे में धूप में मैं खुद को देखता था तो अजीब परेशान सा हो जाता था कि इतनी ज़्यादा खौफनाक खुश्की है मुझे, जिसकी हद नहीं। तो अब मैंने जब से ये यूज़ किया है तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैंने फिर अब ये ज़्यादा वाला लिया। फिर हिना ने फ़िश बनाई, ये तिलापिया फ़िश फिले हम लेकर आए थे कॉस्टको से। पहले हिना ने इनका सालन बनाया था, फिर मंचूरियन बनाया था, आज फ्राइड फ़िश बनाई, ये भी बहुत मज़े की थी। इसको हमने खाया था क्रोसॉन्ट्स के साथ। आप चाहते हैं कि हिना इनकी रेसिपीज़ अपलोड करें, क्योंकि वैसे तो शायद आपको ख़ुद भी पता चलता ही होगा, लेकिन ट्रस्ट मी जो घर का खाना होता है ना, दैट इज़ द मेजर हाईलाइट ऑफ माई डे। इसलिए मैं अक्सर वीडियोज़ में भी दिखाता हूँ, बिकॉज़ ये मेरे लिए स्पेशल है। तो अगर आप चाहते हैं कि हिना इनकी रेसिपीज़ शेयर करें, हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स पे अपलोड करें, तो नीचे कमेंट करें प्लीज़। टेस्ट सामान ले आते हैं, घर में ही हमने एक ग्रोसरी स्टोर खोला हुआ है, मतलब ये जो 7 फला कमरा है इसको हमने ग्रोसरी स्टोर बनाया हुआ है। सारा एक्सेस सामान हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये जो नया लंबा सा हम टेबल लेकर आए थे पिछली बार वॉलमार्ट से, उस पर हमने बैठ के खाया, बड़ा मज़ा आया।
जोहा ये वाली लाइट ऑन करना, दिस वन, वो वाली भी। तो हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, सबके पकवान मज़ेदार हो और उनमें बहुत वैरायटी हो और सबकी मेज़ें सजी रहें और सबके घरों में बरकत हो, ज़िंदगी में खुशियां हो। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं। फ़िश बहुत न्यूट्रिशियस होती है और दोनों बच्चियों को भी बहुत पसंद है, मतलब ये खाली हमने ही नहीं खाई बल्कि दोनों बच्चियों ने भी खाई। और मेरी बच्चियों के शौक़ ऐसे हैं, जो चीज़ एक को पसंद आती है ठीक वही चीज़ दूसरी को भी पसंद आती है, और जो चीज़ एक के टेस्ट को अपील नहीं करती वो दूसरी को भी बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं करती होती। दोनों जेनेटिकली सेम मेकअप है इसीलिए दोनों की एक ही पसंद है। तो कुछ सामान गाड़ी में ही रह गया, बार बार जैकेट कौन पहने उतारे, मैं बस ये फ्लीस का ओवरऑल पहन लेता हूँ। मुझे बाहर जाना होता है, ये बहुत गर्म है, देखिए मैंने ऊपर से ये नीचे तक पहना हुआ है। लेकिन भाई ब्लेस्ड है हम इस बार तो माशाल्लाह, सर्दियाँ देखें दिसंबर हाफ से ऊपर हो गया है और सड़कें देखें आप कैसी साफ़ सुथरी हैं, खाली हैं, कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है। तो मैंने यहाँ पर रहते हुए लोगों से पूछा कि पिछले सर्दियों में भी इसी तरह से था, तो कहते हैं नहीं पिछली सर्दियों में नवंबर में बर्फ़ पड़ गई थी, ये इसी दफ़ा है कि बिल्कुल सुकून है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि बर्फ़ वगैरह। ये है जी हमारी माशाल्लाह प्यारी सी गाड़ी, ये रह गया था बैग। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे डे टू डे लाइफ व्लॉग्स पसंद आते हैं, ये मैं बनाता रहूं या किसी ना किसी टॉपिक को लेकर ही बात किया करूं। सिर्फ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।